कब याद ये हमारा अफगानिस्तान ने पकड़ के लंकियों शर्म कर लो, अफगानिस्तान ने पेल दिए आपको, बाहर निकलो। वो घंटे जो कह रहे थे कि 280 स्पीच के ऊपर ठीक टोटल है, मैं पोस्ट मैन मिड मैच में क्या बता के जाऊं, ये अफगानिस्तान इसको चेक कर लेगा। घंटा बजा दिया अफगानिस्तान ने पकड़ के, मेरे बाबर का घंटा बजा दिया अफगानिस्तान ने। पाकिस्तान ऑफिशियली टूर्नामेंट से आउट हो चुका है, इन बगैरतों को वापस बुलाओ। बाबर ने शिकस्त का मलबा बॉलर्स पर डाल दिया, कहते हैं बैटर्स ने अच्छा हदफ दिया था, गेंदबाज परफॉर्म ना कर सके। अफगान कप्तान हशमतुल्ला ने कहा पूरे मैच पर कंट्रोल रखा, कामयाबी का सहरा स्पिनर्स को जाता है। यार ये जलील करने के अलावा इन्होंने रखा गया है, पाकिस्तान टीम की इन्होंने इज्जत लूट लिया। मुझे पाकिस्तानियों ये टीम आए वापस, तुम लोगों ने इस्तकबाल इनका जूतों के साथ करना है। सन कैसे पिलवा रहा है मैं बताता हूँ, ये देखो कल के मैच में इंडिया की ना विराट कोहली की जो क्लास थी ना वो देखने को हमें मिली है। सर पाकिस्तानी है, पहले थोड़ा सा पानी लें, उसके बाद आप समझ तो गए हैं उसमें डूब मरे, डूब मरे जनरली मरे। ये पूरे मैच में वो पता चल रहा था कि खेल रहा लास्ट। ये वाकई पाकिस्तान टीम की ना इज्जत लूटने वाला साहब हो गया यार, कल के बच्चे हैं जिनको हमने ट्रेन किया अफगानियों को, वो तुम लोगों को मात दे गए यार। ये पाकिस्तान टीम की यारी दोस्तियों की औकात है यार, क्योंकि इनके अंदर ना अब इनको कोई शर्म ही आ रही नहीं है। ठीक है, इसने ये लोग पता नहीं किधर हैं, इनको 22 करोड़ अवाम की गालियां नजर ही नहीं आ रही। यकीन करो पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान से मैच नहीं हारा, ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप से समझो बाहर हो गया। अगली जो टीमें हैं न्यूजीलैंड है, उसके बाद इंग्लैंड है, वो तो 400 करने वाली टीमें हैं यार। इंडिया ही लग रहा है कि वर्ल्ड कप ले जाएगा, जो सिचुएशन है असम हो जाएगा पाकिस्तानियों को अगर भारत ले जाता है तो। वो चांद पे पहुंच गया तो मैं तब भी असम हो गया, ये तो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप ले जाएंगे तो हजम वाली क्या बात है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं या हार भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों से सीख के आगे दोबारा उठे। वापिस बुलाओ इनको यार, ये कौन सी बदतमीजी है, हर टीम आपको हारे पकड़ी है, घंटा बजा दिया उन्होंने पकड़ के आपका, शर्म कर लो यार, शर्म होनी चाहिए बंदे में। इंडिया से हार गयो ठीक है बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया से हार गयो ठीक है बड़ी टीम है, अफगानिस्तान ने भी पेल दिया है। मतलब यार शर्म आ रही है मुझे बताते हुए कि हम अफगानिस्तान से भी हार गए हैं, हमें अफगानिस्तान ने भी पेल दिया है। मेरे घंटे के फैंस बाहर आओ, जो बाबर के 74 की तारीफें कर रहे थे आप लोग, बुझा दिया आपकी अफगानिस्तान ने। यार क्या बात करूं इसमें मैं, अब कि अफगानिस्तान ने आपको आपकी औकात याद दिलवा दिया है। दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद पाकिस्तान के लोगों की जलाने के लिए ग्राउंड के अंदर इरफान पठान के साथ में डांस किया और भारतीय झंडे को ले रहा है, ये देखकर आज पाकिस्तान के लोग दुखी और हैरान है। आप लोग देखो इस वीडियो में टेपिए को मार पड़ी है, शहीने को पड़ी है, शिदाबे को पड़ी है, उसामा मीर को पड़ी है, हसन अली चूतिया को पड़ी है, हर बंदे को बजाया उन्होंने पकड़ के, घंटा बजा दिया है, घंटा बजा दिया है, मेरे बाबर का घंटा बजा दिया है, और मेरा बाबर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, मेरा बाबर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, मेरे बाबर का पकड़ के घंटा बजा दिया अफगानिस्तान ने, अफगानियों ने आपको आपकी औकात याद दिलवा दी हो, इंडिया से जीतने के क्या ख्वाब देखते हो, और पहले बगैर तो हमें तो हरा लो। सर पाकिस्तानी है, पहले थोड़ा सा पानी लें, उसके बाद आप समझ तो गए हैं उसमें डूब मरे, डूब मरे जनरली मरे, ये मरना बनता है इनका। ओ भाई पाकिस्तानी के पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी टीम, अच्छा मैं पाकिस्तानी टीम को कहूंगा भाई पानी नहीं लगता जनरली, इधर आओ मैं दूंगा, और पूरा मुंह जाएगा उसके अंदर पूरा मुंह। यार खुदा का खौफ करो पैंचो, वो टीम से हरके आ गए हो जिस टीम ने तुम लोगों ने सारी उम्र उसको हिलने नहीं दिया, और आज उसी टीम अगवानियों से हरके हो। यार क्या रही है ये अफगानिस्तान से हर गया, इनको हमने क्रिकेट सिखाई है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान यकीन करो पाकिस्तान की इज्जत लूट ली है यार, यकीन करो इज्जत लूट ली है पाकिस्तान, वाकई वाकई आप बहुत पहला पाकिस्तान को, बहुत पहला भैया को बताएं कि मैं बताता हूँ पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने कैसे पहला और पाकिस्तान कैसे पिलवा रहा है मैं बताता हूँ, ये देखो भैया जनरली पैसे कमाने गए हैं, ये तुम लोग ना नानी घर नहीं सी गए, तुम क्रिकेट खेलने गए थे, तुम लोग यार खुदा का खौफ नहीं करते, पाकिस्तान का नाम बदनाम करने में तुम लोगों ने आगे टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है। डाई वाला सीन था जिसमें पाकिस्तान जो है वो डाई हो गया,
मैं कह भाई ये वापिस आए जन मतलब ये कोई पहुंचे ना पहुंचे मैं इस्तकबाल इन कर पहुंचना जे किस चीज से इस्तकबाल करेंगे आंडे जुतियां टुड्डे चुबेड़ा ये कैसे डिफेंड हो रहा है इनसे क्या क्या हो गया इनको ये मतलब इंडिया के होम ग्राउंड में जाके इनकी परफॉर्मेंस ऐसे गिर गई है कि वहां कर क्या रहे हैं ये यार हमारी बेसिक ही ठीक नहीं है हमारे जो कोचिज हैं ये जो इंग्लिश है मिकी आर्थर है मोर्ने मोरकल है बच्चों को बहन जो इंग्लिश कोच दी है उनको समझ नहीं आती बाबरा तो आती है इंग्लिश बोलने वो के समझेगा मिकी आर्थर क्या कहना चाह रहा वो मिकी आर्थर गालियां बकता है यार फक यू करता है ये थैंक यू कर जाते हैं और भाई अच्छा सर मुझे ये बताए कि क्या हमें फिर कोई ऐसा कोच लाना चाहिए जैसे कि रोहित शर्मा है वो अगर वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद क्या हमें रोहित शर्मा को ले आना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है हाँ और यार वो आएंगे नहीं वो जो जो टीमें पर्चियों पे खेलती है ना वो उस टीमों की कोचिंग उन्होंने करनी नहीं है इमामुल हक देख लो यार आज फिर वही 30-35-40 स्कोर करके आउट हो गया और यार उसकी ऐनक का नंबर बढ़ाओ उसको भैन जो बॉल नजर नहीं आती पहली 10-12 गेंद वैसे ही बीट कर जाता है यार वो पर्चियां ले गए फखर जमान के तुम लोगों ने बाहर कर दिया उसको इंजरी हो गई है कौन सी इंजरी हो गई यार अच्छा खेलता वाला जब तक अगर सिफारशी टीम में रहेगा ना पाकिस्तान टीम इसी तरह जलील होता ही रहेगा यार ख्याल में तो जो नजर आ रहा है वो तो इंडिया ही लग रहा है कि वर्ल्ड कप ले जाएगा जो सिचुएशन है असम हो जाएगा पाकिस्तानियों को अगर भारत ले जाता है तो वो चांद पे पहुंच गया तो मैं तब भी असम हो गया ये तो वर्ल्ड कप है वर्ल्ड कप ले जाएंगे तो हजम वाली क्या बात है वो डिजर्व करते हैं मेहनत करते हैं अपनी आवाम के लिए वो खुशी का मौका अगर फराम करेंगे उनको तो ये तो उनकी टीम की बात यहाँ पे लोग कहते हैं पिचे नहीं सही बनाई गई स्पिनरों को दिया गया है अच्छा मजे की बात है सिर्फ पाकिस्तानी टीम इफेक्ट हो रही है बाकी जितनी भी वर्ल्ड कप के अंदर टीमें खेल रही हैं उनको नहीं फर्क पड़ रहा लेकिन पाकिस्तानी टीम को खसूसी फर्क पड़ रहा है नहीं ये कोई लॉजिक नहीं है देखें पिचे सारी टीमों के लिए बिल्कुल अब वो पिच पे ये तो है नहीं कि आज पाकिस्तान ने आना तो पिच के कि अब मैं जरा उस तरह से मौज मूड में आ जाऊं पिचें तो देखें सारों के लिए सेम है अगेन डिपेंड करता है आप देखें शाहीन शाह पता होता था कि यार ये विकेट उड़ाएगा पहले ओवर में दूसरे ओवर में उसकी भी लाइन लेंथ जो है अब वो लोग कह रहे हैं जी शादी के बाद तो यानी अभी टीम को ऑन अ सीरियस नोट सोचना पड़ेगा कि हमने किस तरह से चीज़ों को ले कर चलना है देखें अगर लड़ के हारेंगे ना हमें भी दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 अभी इंडिया में चल रहा है और आप लोगों को पता है भारत ने पाकिस्तान के लोगों को विजन नहीं दिया और पाकिस्तान के लोग कह रहे थे हम लोग बैट से जवाब देंगे इंडिया को और आज पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की टीम को अफगानिस्तान ने भी बुरी तरह से हरा दिया और आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान के लोगों की जलाने के लिए ग्राउंड के अंदर भारत के बॉलर इरफान पठान के साथ में डांस किया और इंडियन तिरंगे को लहराया भारत का तिरंगा शान से लहराते हुए देखकर पाकिस्तान के लोग दुखी और परेशान हैं आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान की टीम हल्की टीमों से जीतकर वर्ल्ड की नंबर टीम एक नंबर टीम बन गई और वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की टीम की औकात बताई और सच्चाई बताई आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान के लोग बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते थे और दोस्तों आप लोगों ने देखा आज वही पाकिस्तान के लोग विराट कोहली की वाहवाह और तारीफ कर रहे हैं और बाबर आजम को गालियां निकाल रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान के लोग इतना शर्मिंदा है वो लोग कैमरे के सामने आने से ही आज कहीं ना कहीं शर्माते हैं और कैमरे से छुपते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान को इंडिया ने भी बुरी तरह से हराया ऑस्ट्रेलिया ने भी हराया और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने भी इतना बुरी तरह से हराया कि आज पाकिस्तान के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है और दोस्तों आप लोगों ने देखा इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोगों को खूब मजा आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो